दिलकश दिल नशी, सुबह रोशन है बेहतरीन, बरखा के साथ रहो कहकशाओं का हुस्न, नया जमाना नई सुबह शाम, नया अंदाज नई तरह, क्योंकि खूबसूरत है जिंदगी के रंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जिंदगी के रंग में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से बहुत मज़े से आपने गुजारा होगा अपना वीकेंड, क्योंकि आई थिंक मुझे पर्सनली ये दिस इज़ द बेस्ट लाइक वेदर ऑफ द सीजन, जहाँ ना हमारे पास एक्सट्रीम की सर्दी है ना एक्सट्रीम की गर्मी है। सो हम लोग दिन में और इवन रात में भी हल्की हल्की खुनकी होती है, सो बड़ा इन्जॉय करते हैं। लेकिन ऐसे में जहाँ हम लोग आज बात कर रहे हैं, हम लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का भी, और स्पेशली उन लोगों को जो कि वर्किंग पीपल हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक अपने काम पर होते हैं, अक्सर इतनी जल्दी में निकलते हैं कि नाश्ते का टाइम नहीं होता या प्रॉपर नाश्ता नहीं कर सकते, फिर लंच में कहीं से कोई कुछ मंगवा लिया, कुछ ऑर्डर कर लिया या फिर कोई छोटा मोटा स्नैक खा लिया। सो हेल्थ डिटेरिएट होती है, चाहे वो ख्वातीन हैं चाहे वो हजरात हैं। ख्वातीन जो घर में रहती हैं वो लोग तो चलें अपने लिए जहां दिल चाह रहा है कोई अच्छा घर का खाना बना लेती हैं, अपनी कैलोरीज पूरी कर लेती हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ ये भी होता है कि हम लोगों ने जी पढ़ लिया एक फिक्स जी इतनी 2500 कैलोरीज बंदे को चाहिए, 2000 कैलोरीज ख्वातीन को चाहिए, लेकिन क्या सबको उतनी ही चाहिए, या हम लोग वो पूरी कर रहे हैं और पूरी कर रहे हैं तो अच्छी हेल्दी डाइट से कर रहे हैं या फिर कोई ऊटपटांग कोई ऑयली चीजें खा के कोई स्वीट्स खा के पूरी कर रहे हैं। सो क्या हेल्दी डाइट होनी चाहिए वर्किंग लोगों के लिए, आज खास तौर पे हम इसी टॉपिक पे अपने शो पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपने पहले पैनल से इंट्रोड्यूस कराऊं, आज मेरे से मैचिंग मेरा सेट है, बिकॉज यू नो मैंने कहा कि जहां हमारा हैप्पी लैक हमारे साथ है तो आज मैं भी उससे मैचिंग टोन में दिन के स्टार्ट में आगाज में ही उसके साथ मैच हो जाऊं, जो कि पिछले 40 साल से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ताजिकिस्तान और अब सिंध में भी अपने सार्फीन के लिए पेंट्स लेकर आ रहे हैं। और इस दफा जो सबसे बेस्ट उनका जो आई है, उनकी जो प्रोडक्ट आई है, विच इज मैट इमल्शन वाइप आउट, जिसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि वो स्टेनलेस तो है ही और साथ साथ स्टेन रेजिस्टेंट भी है, यानी कि अगर कोई वाटर बेस्ड दाग है जैसे कि इंक का, केचप का, चाय का, सो वो सब के सब जो हैं रिमूव हो सकते हैं, यानी वाटर रिपेलेंट भी है और स्टेन रेजिस्टेंट भी है। कहना यह कमाल की बात ना जी। इसी के साथ वापस अपने पैनल पर आती हूँ, जहां पर मैं बात कर रही थी कि आज इन स्पेसिफिक हमारे साथ जो हमारी डाइटिशियन मौजूद हैं वो हमें वर्किंग लोगों के लिए, जो हम मर्द खवातीन जितने काम कर रहे हैं, कि किस तरह क्या क्या बैलेंस डाइट रखनी चाहिए और कितने इंटरवल से क्या क्या कब कब खाना चाहिए। ये भी नहीं कि खा के ओवरवेट हो जाए और ये भी नहीं कि हम लोग एनर्जी ड्रेन्ड हो जाए। तो सबसे पहले वेलकम करती हूँ, आज हमारे साथ डाइटिशियन मौजूद हैं अर्शिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी वेलकम टू जिंदगी के रंग। सो जिंदगी के रंगों में तभी रंग भरते हैं जब हमारे अपनी इंटरनल सेहत में भी हो और फिर वो हमारे चेहरे से हमारी सेहत से रिफ्लेक्ट हो रहे हो। इसी के साथ हमारे पास आज हमारे बहुत अच्छे गेस्ट हैं, जो कि फैसलाबाद से ऑल द वे हमारे शो के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत वेलकम करती हूँ, ही इज अ सिंगर, ही इज अ पॉप रॉक सिंगर एंड ही सिंगिंग फॉर द लास्ट 3 ईयर्स और साथ साथ 3 वीडियोज भी आ चुकी हैं और बहुत ही जबरदस्त बहुत ही कमाल आवाज रखते हैं। आज उनसे हम बहुत ज्यादा अपने सेहत के साथ साथ जिसे कहते हैं ना गजा की बात कर रहे हैं, तो रू भी एक जो मौसीकी है वो भी रू की गजा होती है। सो दोनों गजाओं के ऊपर आज हम बात करेंगे। वेलकम करती हूँ हैदर अली को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे शो के लिए आज सुबह सुबह उठकर इधर आए। जरा मुश्किल होता है, सर्दियों में उठना ज्यादा मुश्किल होता है। है ना, इट्स क्वाइट टफ। बिल्कुल, और जहां पर हमारा हफ्ते का आगाज हो, हम काम का आगाज करें, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने सितारों का हाल ना जाने कि किस तरह का गुजरेगा हमारा और आपका हफ्ता। सो हमारे साथ हमेशा की तरह आज मौजूद हैं जिंदगी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है। बिल्कुल जी, हमेशा अल्लाह का करम रहे हम सब पर। इसी के साथ मैं अपने ऑप्शंस किचन में चलती हूँ और वहां चल के देखते हैं कि आज शेफ नवीद साहब हमारे लिए हफ्ते के आगाज में कौन सी ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं जिससे हम अपनी कैलोरीज को मेंटेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो आज क्या है हमारे किचन में स्पेशल? आज हमारे किचन के अंदर है ऑप्शन स्पेशल शाहजहानी चिकन। शाहजहानी चिकन, क्या बात है जी, स्पेशल। हम लोग आज तो शाहजहान मुगलिया दौर में जा रहे हैं। अच्छा जी, क्या है उसमें? इसके अंदर हम इसमें सबसे पहले चिकन यूज करेंगे, फिर इसमें सॉल्ट है, गरम मसाला पाउडर है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, योगर्ट है, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, बटर है, टमाटो, ये सब चीज़ें में बनेगा। उसके साथ ही गार्निश के अंदर यूज होगा ग्रीन चिली, जिंजर और साथ में इसके फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर यूज करेंगे। क्या बात है कि जो गर्म मसाला
मसाला पाउडर होता है ना, इट्स अ मैजिक मसाला. मतलब आप कुछ भी ना डालें, सिर्फ एक चिकन के ऊपर लेमन और एक गरम पाउडर मसाला डाल दें, नहीं नमक के साथ, सो एवरीथिंग इज रेडी. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन लहसुन अदरक. मैंने तो एक दफा ट्राई करके दिखा हुआ है. और उसके बाद बटर के साथ जो मजेदार खाने में क्रीमी टेस्ट आता है, ऑप्शंस किचन. ओके, सो आज हमारी ड्रिंक क्या है? और आज हमारी ड्रिंक के अंदर ऑप्शन स्पेशल बनाना पुडिंग शेक है. बनाना पुडिंग शेक, वाओ. ओके, इसमें क्या डलता है? इसके अंदर हम बनाना पुडिंग यूज करेंगे. वेफर्स बनाना पुडिंग एज सच लाइक कोई कोई रेडीमेड मिलती है, क्या होता है? ये बेकरी से मिलती है और ऑप्शंस की तो अपनी बेकरी, हम ऑप्शंस की बेकरी में से यूज करते हैं बनाना पुडिंग. और साथ में वेफर्स चिक्स होंगे, वनीला आइसक्रीम होगी, शुगर है और साथ में आइस क्यूब है. सबको ग्राइंडर जग के अंदर हम डालेंगे एक साथ और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे. हमारी ऑप्शंस बनाना पुडिंग शेक रेडी है. कमाल नहीं हो गया, इतना मजेदार हम लोग आज चेक करेंगे. मैंने आज मतलब नाम ही पहली दफा सुना. और नाजरीन इसी के साथ, क्योंकि मैं खड़ी होती हूँ हमारे पेल के आगे, हमारे पेल माइक्रोवेव के आगे, जिसका दावा है कि जी अब ठंडे का धोखा अब नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसकी 4G क्वालिटी की वजह से जितना खाना हम लोगों को सुपरफिशियली बाहर बाहर से गर्म नजर आता है, वो खाली बाहर से नहीं रहता, अब अंदर से भी इक्वली गर्म होता है. और सर्दियों में तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग, क्योंकि कुछ भी छोटी सी छोटी चीज भी गर्म, हम लोग बेवरेजेस भी ज्यादा लेते हैं और खाने भी ज्यादा खाते हैं. इसी के साथ साथ इसके अंदर स्पेशल बात यह कि हम इसके अंदर ग्रिलिंग कर सकते हैं और इसके अंदर पिज्जा पैन प्लेट भी मौजूद है, यानी कि हम बेकिंग भी कर सकते हैं, है ना? ये हमारे पेल के माइक्रोवेव की अमेजिंग बात. सो जहां इतने हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, इवन पेल भी हमें जो है खाने पीने की तरफ लेके जा रहा है, किचन भी हमारा इतना सुपर्ब है, तो सबसे पहले मैं अपने पैनल पे जो हमारे साथ अर्शिया मौजूद है यही बात करती हूँ कि सबसे पहले तो हम कहते हैं ना कि स्पेसिफिक कैलोरीज इतनी इतनी चाहिए. सो क्या जितनी चाहिए लिखी होती है, जहां हमने किताबी बातें पढ़ी, क्या हर इंडिविजुअल को उतनी ही पूरी करनी लाजमी है? सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी. अगर हम बहुत डिटेल में बात करें तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इस शो में कवर कर सकूँ. तो मर्दों और औरतों के लिए जो एक डे में आप जितनी आपको कैलोरीज या एनर्जी कंज्यूम करनी चाहिए, वो दोनों के लिए डिफरेंट है. जो मेल हैं वो 25 कैलोरीज और जो फीमेल हैं उनको 2000 कैलोरीज जो हैं वो अपनी डेली डाइट में रखनी चाहिए. अब ये कैलोरीज किस तरह आप अपनी डाइट में रखेंगे और इसका ब्रेकअप क्या है कि कितना आपके कार्ब्स होने चाहिए, कितने प्रोटीन, कितनी फैट, कितनी सैचुरेटेड फैट, सॉल्ट की इनटेक क्या हो, पानी की इनटेक क्या हो, तो मैं आपको इसके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ. लेट सपोज प्रोटीन जो है मर्दों को 55 ग्राम और औरतों को 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो अपनी डाइट में डेली रखनी चाहिए. अच्छा, कि कैसे हमें अंदाजा होगा कि जी हम लोग जो चीज खा रहे हैं, जो प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, कि हम लोग ग्राम्स का अंदाजा रखें? मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी होती है ना, अगर हम प्लेट के हिसाब से करें या कोई मील या बोटी के साइज पे करें, तो वो किस तरह पता चलता है? जो है हमारा डाइट में मील, वो उसमें जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन इज बेसिकली योर मीट, योर एग्स, फिश, व्हाटएवर, इट्स अ पाम ऑफ योर फीस्ट. ओके, ठीक है. आपने अपने इसका मैं आपको एक सिंपल सा इजी वे बता दूं लेमैन लैंग्वेज में कि इतना आपका पोर्शन साइज जो है मील का वो होना चाहिए. इट शुड बी पार्ट ऑफ योर मील. और आप दिन में लेट सपोज ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो उसमें एग ले रहे हैं, तो आप एग वाइट्स ले रहे हैं, आप दो एग वाइट्स ले लें. आप 100 ग्राम जो हैं उसमें फैट, अगर सॉरी प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड कर दें अपने दोपहर और रात के खाने के अंदर कि मैंने इतना पोर्शन जो है दोपहर में अगर खा लिया तो अब मैंने रात के खाने में प्रोटीन लेनी है. प्रोटीन जो है वो बहुत एसेंशियल है आपकी डाइट में, आप इसको निकाल नहीं सकते. ठीक है, प्रोटीन दो वेरी एसेंशियल है जहां बात कर रही है डाइट में. सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि हमारे लिए ग्रोइंग फैक्टर जो हमारा है ना, दैट इज सोलली प्रोटीन. कुछ भी ग्रोन है, सबसे ज्यादा लोगों को कहां असर होता है, जब वो बात उनके दिल को लगती है, यानी आप कह लें जो आप ब्यूटी के लिए अपने बालों को ग्रो कर रही हैं, अपने नेल्स को ग्रो कर रही हैं, आपकी स्किन रीग्रो हो रही है, सो ग्रोथ फैक्टर इज सोलली प्रोटीन. सो प्रोटीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, सब पे हम लोग बातें कर रहे हैं, बातें चलती रहेंगी. लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले, सबसे पहले, क्योंकि हमने वीक स्टार्ट कर दी और अभी तक मैंने सितारों का हाल नहीं जाना, तो क्यों ना हम जिंजानी साहब की तरफ पहले चल के पूछ लें, फिर हम आते हैं हमारी रूह की गजा पे. और बड़ा इंटरेस्टिंग आज मैं सिंगिंग से रिलेटेड भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन पहले हम सितारों के हाल को पता करते हैं. बिल्कुल, और सितारों के हालात हम देखते हैं इस हफ्ते के. तो हमारे पास जो सबसे पहले ज़ोडियक साइन एरीज आ जाता है. एरिस के हवाले से देखें तो एरिस का ये वीक बहुत ही रोमांटिक गुजरता हुआ नजर आएगा. इनकी ना सिर्फ रोमांटिक मामला इनके अच्छे गुजरेंगे, बल्कि इनकी एक नेचर में जो है रोमांटिसिटी नजर आती है.
इनको हर चीज में जो है एक पॉजिटिविटी नजर आनी स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से इनके आधी से ज्यादा टेंशन प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इवन कि इनकी फैमिली मैटर्स, इनके बहन भाइयों के साथ जो मामलात हैं, इनके जो सोशली जो स्पेशली मामलात हैं, उनमें इंशाल्लाह काफी हद तक पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो रही है। इसके बाद हमारे पास जो नेक जॉडिक्स एंड टॉरस आ जाता है, तो टॉरस का ये जो वीक चल रहा है, ये वीक बहुत ज्यादा हाईलाइट रहता हुआ नजर आएगा, स्पेशली इनके जो व्हीकल के मामलात हैं, इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं, इसके अलावा इनके जो हाउस होल्ड मैटर्स हैं, इसके अलावा इनके जो जॉब के मैटर्स हैं, ये चार मेन चीज़ें हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीक में रहेंगी, और इनका ज़्यादा फोकस इन्हीं चार चीज़ों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहेगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जॉडिक साइन जेमिनी आ जाता है, तो जेमिनी का ये जो वीक है ये बहुत ज़्यादा एक तो पॉजिटिव वीक है इनकी औलाद के हवाले से। ऐसे जेमिनी अफराद जो कि साहिब औलाद हैं, शादीशुदा हैं, तो उनको औलाद की तरफ से खुशी मिलेगी, औलाद की तरफ से इनको कोई इज्जत मिलती हुई नज़र आ रही है, औलाद की वजह से इनका जो है मर्तबा और रुतबा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। स्पेशली अगर इंडिविजुअली हम लोग जेमिनी वालों को देखें तो इनको थोड़ा सा अपने फाइनेंशियली जो इनके मैटर्स हैं उनको थोड़ा सा जो है इनको थोड़ा सा एक सेंसिटिविटी तरीके के साथ प्लान करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली तौर के बन के जो पोजीशन है इसमें दो ख़राब प्लैनेट्स की आपस में जो नज़र है वो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है, जिसमें फजूल खर्ची जो है उसको थोड़ा सा इनको कंट्रोल अगर कर लें तो मामला बेहतर गुजरेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साथ 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 मुस्कुरा रहे हैं आपके साथ जेमिनी तो नहीं है वो मुझे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, बड़े गौर से सुन रहे हैं मुस्कुरा। और इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट जॉडिक साइन आ जाता है ये कैंसेरियन है, तो कैंसेरियन का ये जो वीक चल रहा है ये इनको, जिस तरह के लास्ट वीक में मैंने इनको बताया था कि हेल्थ इश्यूज जो हैं इनके रहते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से इनको हेल्थ के हवाले से अपने मामलात को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। इसके बाद हमारे पास कैंसेरियंस का जो फाइनेंशियली तौर पर मामलात हैं, इनकी जो आमदन के वसाइल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये वीक इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हेल्थ इश्यूज जो हैं ये तो इनके लिए रहेंगे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जॉडिक साइन है लियो, लियो के हवाले से अगर हम देखें तो लियो का जो ये वीक है इनकी अपनी जात के गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, जो इनकी पर्सनैलिटी है, जो इनकी सोच है, जो इनका इमेज है, ये उसको डिपेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इवन के लियो के हामिल जो अफराद हैं कुछ रूहानी तौर के ऊपर जो मामलात हैं उनमें अपनी सरगर्मियां जो हैं उनको जारी करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से फलाह बहबूद के जो काम है उसमें भी इनका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकेगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जॉडिक साइन वर्गो आ जाता है, तो वर्गो के जो हामिल अफराद हैं इनको अपने थोड़े से जो ऐसे अफराद जिनको ये थोड़ा सा फील करते हैं कि इनके बारे में या तो कोई बैकएंड के ऊपर खामखा की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या इनकी लेग पुलिंग करते रहते हैं, ऐसे लोगों से इनको मोहतात रहना चाहिए। इनके जितने पर्सनल मैटर्स हैं, इनके जितने राज हैं, ये किसी को इस वीक में शेयर नहीं करने, अपनी जात तक रखना है, तो ये इंशाल्लाह वीक इनका अच्छा गुजरेगा। नेक्स्ट जॉडिक साइन हमारे पास लिब्रा आ जाता है, तो लिब्रंस का ये जो वीक है ये बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव, रूहानियत से भरपूर, मज़हब और इसके अलावा अपनी ज़ात में जो सूफीज़म का एक पहलू है उसको बाहर निकालने का जो अमल है वो इनका शुरू होता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जॉडिक साइन आ जाता है स्कॉर्पियंस, तो स्कॉर्पियंस का ये जो वीक है ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर डिस्टर्बेंस का शिकार रहेगा। अच्छा। इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर मामलात और अपनी स्पेशली जो इनकी मिजाज में एक शहाना खर्ची पाई जाती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। और नेक्स्ट जॉडिक साइन हमारे पास सेजिटेरियस आ जाता है, तो सेजिटेरियस का ये जो वीक है ये अगर ऐसे स्पेशली स्टूडेंट हजरात जो कि अब्रॉड जाना चाह रहे हैं अपने ट्रैवल के लिए, अपने जो तलीमी कैरियर है उसको आगे बढ़ाने के लिए, या ऐसे अफराद जो कि हज व ज़ियारत और उम्रे की ख्वाहिश रखते हैं और वो भी इस ख्वाहिश को जो है पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीक में अगर वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो इनकी ये ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जॉडिक साइन कैप्रिकॉर्नियन आ जाता है, तो कैप्रिकॉर्नियन का ये जो साइन है ये इंश्योरेंस क्लेम, लिटिगेशंस, इसके अलावा इनके जो विरासती मामलात हैं, इनके कानूनी मामलात हैं, वो इनके लिए डिस्टर्बेंस का शिकार बने रहेंगे, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा अपने बुजुर्गों से, अपने असातिज़ा से जो है बाहमी मुशावरत जो है वो ज़रूर करते रहना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जॉडिक साइन एक्वेरियस आ जाता है, एक्वेरियस का ये जो वीक है ये इनका जो है नजरे बद से महफूज रहने के लिए कुछ अमली इकदामात करने का वीक है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा या तो शो ऑफ करने की वजह से या इनके काम की वजह से दूसरों की तरफ से जो है नजरे बद और प्रॉब्लम्स जो हैं उसके अंडर आते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से इनको सदका जो है वो ज़रूर शामिल करते रहना चाहिए, और वीक के हर दिन कोई ना कोई एक डिफरेंट सदका जो है वो अपने स्टार्स के अकॉर्डिंगली देख लें और उसका सदका जो है वो ज़रूर शामिल करते रहें। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जॉडिक साइन पाइसिस आ जाता है, तो पाइसिस का ये जो वीक है ये इनको, जैसे कि हमने लास्ट वीक में बोला था कि इनको हेल्थ इश्यूज जो हैं उनको अपने जो स्पेशली फिजिकल हेल्थ है उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए,
इनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी चल रही है, इनके जो पार्टनरशिप के मामलात हैं, किसी के साथ शराकती बुनियादों पे चल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना चाहिए। तो ओवरऑल इनका ज़ाती जो पर्सनल मैटर्स हैं, फाइनेंशियली तौर पे फैमिली मैटर्स, वो इनके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव पुश रखेंगे इंशाल्लाह। और आज का मैंने देखा है कि काफ़ी पॉजिटिव रहा है और मौसम के साथ साथ बड़ा रोमांटिक भी चल रहा है, और हम लोग इसी टॉपिक पे भी बात करें, इनसे भी आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे सिंगर भी मौजूद हैं और हम डाइट के लिहाज से बात करें तो किस तरह से सिंगिंग हमारी हेल्थ को और हमारे इनटेक को इन्फ्लुएंस करती है, और सिंगिंग का के ऊपर सितारों का क्या हाल होता है, ये बड़ी मजेदार हम बातें करेंगे। एंड दैट वाज टू गुड, लाइक इसके वीडियो भी है ना, आपकी वीडियोस भी 3 आ चुके हैं, और मतलब शुरू से आपको शौक था या ये जो आपने एकदम से शुरू किया या कहीं से आया या किसी ने कहा? सेल में पैशन, और पैशन तो इंसान को बचपन से ही होता है। बिल्कुल, सो बचपन से ही था आपको इंटरेस्ट, या फिर आपको कभी एकदम एक एक्सीडेंटली आपने किया कि नहीं वाकई में मेरी तो आवाज अच्छी है? नॉट एन एक्सीडेंट, बचपन से व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो वो यानी कि नाच पढ़ना और एक्स्ट्रा जब क्लास होनी तो टीचर्स ने कहना कि आ जाओ कुछ सुनाओ हमें। वो कहते हैं ना कि एक वो बच्चा होता है स्कूल में जो सबके लिए स्पेशल होता है, मतलब जब जिसको ढूंढ रहे होते हैं सबके, नाम आता है और हम कहते हैं कि इस चीज के लिए तो बस वही पर्सनालिटी है। सो दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद आपने सीखना शुरू किया? अभी तक नहीं सीखा, मैं ये समझता हूँ क्योंकि अभी लाइफ इतना तेज हो चुकी हुई है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसके लिए प्रॉपरली कर सको। अच्छा। और पैशन को एज ए उस तरह प्रोफेशन लेना, इट्स क्वाइट टफ। ठीक है, आपको इसको पैशन को साइड पे लेके चलना होता है अपने शौक को लेके। तो मेरे ख्याल से मेरा अपना जो थीम है लाइफ का वही है कि अगर आप अच्छा सुन सकते हो ना तो आप अच्छा सीख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जी, बेशक। और अपने आप को सुनने से आपको सबसे ज्यादा वो मिलता है कि हमने कहाँ पे फ्लॉज है, क्योंकि दूसरे को जो परफेक्ट होता है ना उसको सुनने से लगता है बहुत ही आसान काम और आसान चीज चल रही है। नो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बात कर रही है हमारी कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रुबाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुमैरा, आप कैसी हैं और आपका शो कैसा लग रहा है? मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। आदर अली सिंगर जो है वो माशाल्लाह से इनकी बहुत प्यारी आवाज है, मैं इनका गाना सुन रही थी, पढ़ते थे लेकिन गाना सुन रही थी इनका। और आपके जो मेहमान है माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, आपका किचन बहुत अच्छा है, आपका सेट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी कीजिए। आपका अपने प्रोग्राम का ना थोड़ा सा टाइम बढ़ा रहे, जो 1 घंटा का 2 घंटे कर दे, मेहरबानी आपकी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपका जो गिफ्ट हैम्पर का सवाल क्या है? सवाल तो अभी मैंने कुछ नहीं बताया था, आप बता दीजिए। आज हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग ड्रिंक बन रही है कि उस ड्रिंक का नाम क्या है और उसकी रेसिपी क्या है? ऑप्शन बनाना पुडिंग है, उसमें बनाना पुडिंग होगी और आइस वो होगी, मिल्क होगा और शुगर है और आइस क्यूब है और जो वो क्या कहते हैं उसको, आइसक्रीम है। थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर कॉलिंग। शो देखती रहिए और इंशाल्लाह हम लोग भी बढ़ाएंगे, सोचेंगे। आप हमेशा से हमें सजेशंस देती हैं, सो जहां हम लोग वो भी, उसने भी हमें खाने की रेसिपी की हमारी बताई है। तो फिर मैं वापस आती हूँ, तो एक छोटा सा क्विक, क्योंकि लोगों के पास इतनी डिटेल कैलोरीज काउंट करने का टाइम नहीं होता कि जी हमने इतना खा लिया तो इतना कैलोरीज आ गई, इतना करें अवॉइड। मतलब जनरली हेल्दी डाइट के अंदर में क्या लेना चाहिए इन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या फिर अगर हम उनकी रिप्लेसमेंट्स कहीं स्नैक्स में, बीच में चाय के साथ या टी टाइम पे या सपर टाइम पे, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? क्विक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो वर्किंग लोग हैं, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली वर्किंग खवातीन और मर्दों के लिए बात कर रहे हैं, तो हम में से किसी के पास घर से निकलते हुए नाश्ता करने का टाइम नहीं होता। लेकिन जो बहुत जरूरी चीज है पूरे दिन का, जो सबसे इम्पोर्टेंट मील है, वो आपका ब्रेकफास्ट ही है। बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने नाश्ते में, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं, आप बॉयल्ड एग ले लें, बॉइल्ड एग ले लें, आप फ्राई एग ले लें, उसके साथ आप अपनी टी कॉफी जो भी आप वो कैरी कर सकते हैं, आप अपने बॉक्स में रख लें, गाड़ी चलाते ट्रैवल मग में रख लें, एग्जैक्टली आप उसको साथ साथ जो है वो कंज्यूम करते रहे, ड्राइव करते रहे, एंड इवन अगर आप ऑफिस पहुंच भी गए तो वो इतना हैंडी है कि आप उसको वहां बैठ के भी खा सकते हैं। तो आपकी जो प्रोटीन की इनटेक है वो उससे पूरी हो सकती है। और ब्रेकफास्ट को बिल्कुल इग्नोर ना करें, एंड आई वुड से कि उसके अंदर अगर आप, इफ यू कैन ऐड नट्स, आप अपने ऑफिस में नट्स रख लें, बिकॉज नट्स बहुत जरूरी हैं आपकी डेली डाइट में। तो जब आप उसको एज ए स्नैक यूज कर सकते हैं, वेन एवर यू फील हंग्री आप थोड़े से नट्स निकालें और खा लें, स्टार्ट मंचिंग। हाँ, स्टार्ट मंचिंग एज ए स्नैक, एक तो वो आपको आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा इंस्टेड ऑफ ईटिंग बिस्किट्स एंड अदर जंक आइटम, आई थिंक अगर आप नट्स की तरफ अपने आप को रुझान ले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है।
जैसे वाटर की इनटेक बहुत जरूरी है मर्दों के लिए एटलीस्ट 3.7 एंड औरतों के लिए 2.7. हम में से कोई भी वो अपनी वाटर इनटेक कंप्लीट नहीं करता, तो कोशिश करें एक पानी की बॉटल अपने साथ रखें और आपको जब याद आए एटलीस्ट एक ग्लास एक घंटे के बाद वो पानी आप ऑफिस में बैठ के पीते रहें। और अगर आप खाना दोपहर का जिस तरह है और बाहर जा रहे हैं तो जो ऑप्शंस आपको मिलती हैं जो आप रेस्टोरेंट में अपने लिए ऑर्डर करते हैं, आप कोशिश करें कि आपका जो प्रोटीन साइज है वो आपका और कार्ड्स जो हैं जिसमें आपका पास्ता आ गया, आपके आपके राइस आ गए, आपकी लेट्स सपोज रोटी आ गई, चपाती आ गई, हाँ, exactly, हाँ। जो चीजें भी आपकी 1/4 ऑफ योर प्लेट होनी चाहिए, यानी कि उसका साइज जो है ना 1/4, उससे ज्यादा आपने लेना नहीं है खाना, ये चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, इसी में बड़ी इंटरेस्टिंग में बात अगर ऐड करूं, जहां आप कह रही हैं कि प्लेट के साइज में 1/4 होना चाहिए, तो जहां अगर आप हेल्दी डाइट या डाइटिंग के ऊपर आते हैं ना, सबसे पहले कहा जाता है कि आप अपनी साइज ऑफ द प्लेट जो है उसको श्रिंक कर दें, उसको छोटा करने लग जाए, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि जितनी बड़ी होगी हम उसको भरते जाते हैं तो अंदाजा नहीं होता, छोटी को कितना भी हीप कर लेंगे वो बड़े के नॉर्मल साइज के बराबर आ रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास बात करी है हुमैरा सियालकोट से, साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं और आपको शो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह, खूबसूरत तरीन आपका शो और खूबसूरत सेट है माशाल्लाह, और आप खूबसूरत तो चार चांद लग गए जी शो को। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। आपके शो से जो डाइटिशियन आई है, मैंने एक उनसे सवाल करना, एक एस्ट्रोलॉजर साहब से सवाल करना है जी। पहले मैं अपना डाइटिशियन से सवाल करूंगी, ये जो बनाना मिल्क शेक बगैर चीनी के अगर सुबह नाश्ते में दिया जाए तो ये पैटर्निंग तो नहीं होता जी? और दूसरा जी, ये एस्ट्रोलॉजर भाई से पूछूंगी कि मेरी शादी में क्या रुकावट है और कब तक हो जाएगी? 5/4/1983 ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। सॉरी, 5/4/1983 8:14 रात को साहिवाल में मैं पैदा हुई हूँ जी। ये रुकावट बताएं कि क्या रुकावट है, शादी कब तक हो जाएगी? और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग हुमैरा जी। जैन साहब जी, बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि इन्होंने हमें जो अपना बायोडाटा प्रोवाइड किया इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसमें ऐसा है कि आलमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की जात है, और दुरूद सलाम जो है ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात के ऊपर। तो इनके जायचे में अगर हम मून के अकॉर्डिंगली इनके जायचे को देखते हैं मून साइन से, तो इनके जायचे में एक तो राहु और केतु की पोजीशन पहले और सातवें घर में। सातवां घर इंसान का अज़दवाजी जिंदगी, अज़दवाजी सुख और शादी के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो एक तो ये इनके जायचे में प्रॉब्लम और रुकावट है। इसके अलावा इनके जायचे में जो इनकी टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हम अगर देखें, इनका जो जायचा असेंडेंट के अकॉर्डिंगली है, तो इनके जायचे में सातवें घर में जो है एक बहुत ही इनका जो जहन का मालिक प्लैनेट है बिल्कुल एक तो उल्ट कमजोर पोजीशन में बैठा है, और दूसरा सातवें घर जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसके साथ एक स्ट्रांग पोजीशन के साथ इसका एक किरान की नजर होती है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, वो बन रही है, जिसकी वजह से इनके जायचे में ये एक इंडिकेशन है प्रॉब्लम के खाम खा का डिले जो है वो इनके जायचे में पाया जाता है। लेकिन ये एक तो अगर हम इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें तो उस डिले से इनकी एज जो है वो ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो अभी का इनका टाइम फ्रेम चल रहा है, तो ये शादी के लिए अच्छा टाइम फ्रेम है, और इसके लिए इंशाल्लाह जो स्पेशली 2018 जब स्टार्ट होगा फरवरी में, तो वो इनके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। लेकिन इसके लिए अब एज अ मेडिसन, एज अ रेमेडी इनको करने की ये जरूरत है कि ये जो इनके एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं इसको दूर इस तरह करना है कि क्योंकि एज अ मुस्लिम हम लोगों का बिलीफ है कि कुरान पाक जो है ये हमारे लिए ताक कियामत जो है एक हदायत है, तो उसके लिए इन्होंने करना यह है कि सूरह ताहा की जो तिलावत है वो कोशिश करें अगर ये डेली कर सकें, अगर ये डेली ना कर सकें तो एटलीस्ट वीक में एक दफा जरूर करें, और डेली बेसिस के ऊपर ये रोजाना दो नवाफिल पढ़ें हाजत के, और उसका सवाब हदिया कर दें खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, और उनके वसीले से ये अपने इस मकसद के लिए दुआ करेंगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनका ये मसला इसी ये जो नवंबर दिसंबर चल रहा है इसमें भी कोई अच्छी इनके लिए इंशाल्लाह नसीब कुशाई का सबब बन जाएगा इंशाल्लाह। और इसी के साथ उनका जो सेकंड क्वेश्चन था, जैसे आप हम बात कर रहे थे कि नाश्ते की, अभी एक्चुअली हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ मिल्क शेक ले लें बनाना मिल्क शेक, बिकॉज बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत पावरफुल होता है और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इफ़ यू आर हेल्दी, इफ यू डोंट हैव एनी कोमॉर्बिडिटीज साथ में, अगर वो ले लें और उसमें चीनी भी ना डालें तो क्या वो फैटनिंग है, क्या उनको मोटा करेगा? बिल्कुल नहीं, नाश्ते में आप आई वुड से कि आप नाश्ता एक ऐसी चीज है जिसे मैंने कहा बहुत हैवी होना चाहिए, आपका जो मील है सबसे हैवी मील आपका ब्रेकफास्ट ही होना चाहिए, बट उस मिल्क शेक के साथ फिर आपने पराठा नहीं खाना, मतलब देन इट शुड बी जस्ट मिल्क, यू हैव टू बैलेंस इट आउट ना, अगर एक चीज आप बहुत हैवी कैलोरीज के साथ ले रहे हैं सो ये नहीं कि उसके साथ नेक्स्ट चीज आप खाने के भी नहीं ले, वो थोड़ी लाइट होनी चाहिए, जैसे एक बॉइल्ड एग, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यस,
तो बिल्कुल फैटनिंग नहीं है आपका बनाना शेक, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें आपका फ्रूट भी है और आपका जो कैल्शियम आपको चाहिए होती है, दूध बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, वो हर औरत को जो है अपनी डेली डाइट के अंदर दूध का इस्तेमाल रखना चाहिए, लाजमी रखना चाहिए। बाद में जब जहाँ हम लोगों का ख्याल आता है कि जी रिप्लेसमेंट्स लेनी चाहिए, जब हमारा वक्त गुजर जाता है वो बोन कैल्सिफिकेशंस का एंड बोन ग्रोथ का, फिर हम बाद में लेना शुरू करते हैं कि जब तो हड्डियों में और जोड़ों में दर्दें स्टार्ट हो गई हैं। ये शुरू से अपनी डाइट का एसेंशियल पार्ट रखना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास बात कर रही हैं, रावलपिंडी से कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ़त बात कर रही हैं, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और आपको शो कैसा लग रहा है? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपका रेगुलर, मैं जो पहले भी कॉल की थी आपकी, अब तो मैं रेगुलर कॉल बन गई हूँ। बिल्कुल, और आपका बहुत अच्छा जा रहा है, आपका सेट बहुत अच्छा है, आपके गेस्ट भी। थैंक यू सो मच। कोई बात करना चाहेंगी? हाँ जी, एक तो मुझे गिफ्ट हैम्पर चाहिए। ठीक है जी, जरूर। आपका नंबर आई थिंक नोट कर लिया होगा, नंबर भी नोट करवा लीजिएगा हमारे सिंगर से। आपको मेरा गाना पसंद है, मैं गाना चाह रही थी। अच्छा, ओके, ठीक है जी, जरूर। हाँ जी, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या दूं, चली जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ब्यूटिफुल वॉइस, थैंक यू सो मच इफ़त फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा, हमारे पाकिस्तान में इतने हमारे व्यूअर्स में इतना टैलेंट मौजूद है। यहीं से मैं अपने सिंगर के पास आती हूँ। सो आप मुझे बताइए कि शुरू से यू वर इनटू पॉप एंड रॉक, कुछ ऐसी चीज कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो या आ रही हो या इसी में अभी फिलहाल जा रही हूँ? आई वाज द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान जिसने कोलैबोरेट किया द टॉप ब्रांड ऑफ दुबई निकोटिन, ओके, एंड फीचर्ड विद Guns N' Roses, the top band of America, in 2015, we did a project in Dubai. So, humne Punjabi ko aur rock ko fuse kiya. Then we create a project, Lotao. या इट वॉज अ फ्यूजन पंजाबी और रॉक का। अगर हम थोड़ा सा वैसे रिक्वेस्ट करें आपसे लाइव अभी कुछ सुनाने के लिए, तो आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं कुछ पुराना सुनाना चाहूंगा, कुछ ओल्ड इज गोल्ड, तो कुछ सॉफ्ट सा, क्योंकि मौसम भी ऐसा हुआ है सुबह सुबह सा कि हम पॉप रॉक को प्रॉपर ले जाएं। जितनी खूबसूरती सॉफ्ट म्यूजिक में है, हाउ रोमांटिक इट मेक्स यू फ्रॉम इनसाइड आउट विद द एनवायरनमेंट सॉफ्ट। एंड जिस तरह से आपने कहा, एक तो मौसम आजकल हमारा ऐसा चल रहा है, ऊपर से रिमझिम में आपने कहा कि हम लोगों को भी इंतजार है। मैं और मेरे एक बहुत My best friend, Ehsan Abbas, he's a very good lyricist, he's a composer, he's working with the most famous music directors of Pakistan. So, hum baithe hue the, hum chai pee rahe the, to suddenly barish ho rahi thi, to ye gana tab bana tha. Achha, to ye bhi aapne mausam ko dekh ke banaya na, dil ke haal se nikla, jahan aapke saath hi Zindagi sahab singer baithe hain, to main yahan puchungi ki hum kya stars ka, kya zodiac signs ka सिंगर्स के ऊपर कोई खास होता है कि कोई ऐसे सितारे? उसमें बिल्कुल इम्पैक्ट होता है, उसमें स्पेशली जब हम लोग जॉडिक साइन देखते हैं तो उसको हम लोग एज अ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब देखें। अच्छा। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो इंसान की थ्रोट है, जो गला है जहाँ से सुर निकलना है, ठीक है, तो वहां से जो प्लेनेटरी पोजीशंस है वो कितनी स्ट्रांग है। अच्छा। अगर वो स्ट्रांग हो तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी वॉइस बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कोई ऐसे खास स्टार्स जॉडिक साइंस? देखिए, इसमें खास जॉडिक साइंस को तो हम लोग इसके साथ स्पेसिफिकली ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं, स्पेशली हमारे पास उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब है, मैडम नूरजहां, बिल्कुल इनका हम जॉडिक साइन देखें तो इनका लिब्रा आ जाता है, मैडम नूरजहां साहिबा का वर्गो आ जाता है, इसके बाद हमारे पास मेहंदी हसन साहब का जो है ये कैंसेरियन आ जाते हैं, और आतिफ असलम जो हमारे चल रहे हैं इनका पाइसिस आ जाता है, इसके बाद हमारे पास जो अली जफर साहब हैं इनका टॉरस आ जाता है, राहत फतेह अली खान साहब का सेजिटेरियस आ जाता है, और जुनेद जमशेद साहब का जो है ये वर्गो आ जाता है, इसके बाद शफकत अमानत अली साहब जो है इनका भी पाइसिस आ जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक वैरायटी ऑफ जॉडिक साइंस है सब, बिल्कुल सबके डिफरेंट। इसमें जब हम देखें तो प्राइमरी एस्ट्रोलॉजी में जॉडिक साइंस बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे चली जाती है। अच्छा। जब जायचा आता है तो उसमें देखते हैं कि वीनस कितना स्ट्रांग है, क्योंकि वीनस देखते हैं, उसके बाद आपका थ्रोट का जो लॉर्ड है वो कितना स्ट्रांग है, और इसके बाद आपका विजन, आपके अंदर डेप्थ जो है उसको देखने के लिए हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि आपके जायचे में नेपच्यून की क्या पोजिशन है, क्योंकि नेपच्यून रिप्रेजेंट करते हैं आपको वेव्स को,
म्यूजिकली जो नोट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट भी करता है, तो उसमें देखते हैं कि उसकी कितनी डेफनेस है, तो आपको वो चीज देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रगल तो आप कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दे दिया, तो अब आपका जो इज्जत का सितारा है वो किस पोजिशन में है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी कि नहीं। समटाइम्स होता है कि एक ही गाना गा के हिट हो जाता है, बिल्कुल लाइफ टाइम वही एक गाना आपको इतने क्लाइमेक्स पे पहुंचा देता है। और कभी कभी कोई ऐसे हमारे सिंगर्स हैं जो हर गाना गाए उनका मतलब ऐसा सुपर हिट होता है, दिल को लुभाने वाला होता है, वो उनको फेम वो रिस्पेक्ट वो चीज नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें जो है एक हर चीज को कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन जॉडिक साइंस जैसे कि हैदर भाई का जॉडिक साइंस है जेमिनाई आ जाता है, तो जेमिनाई वाले जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, मुतहरिक होते हैं, इनके पास वैरायटी ऑफ टैलेंट होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इनको खड़ा कर दें, इनके पास इतना नॉलेज होता है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे फिल्मी कुछ भी जाके बोल देते हैं। अच्छा। और इनके पास वैरायटी ऑफ टैलेंट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, और इनके पास अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा ये अच्छे तरीके से करते हैं, और दूसरों को अपने लफ्जों से जो है ये मोल्ड करने का हुनर जानते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, ये सारे हुनर इनमें मौजूद है कि नहीं, अभी हम इनसे पूछते हैं। आई विश के सच हो। हमारे पास कॉलर मौजूद है, फरजाना बात कर रही है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम डॉक्टर रुबा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका लग रहा है आज, बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं। थैंक यू सो मच फरजाना, कोई बात करना चाहेंगी आप? जी मैं बात बहुत जरूरी करना चाहूंगी, आपको पता मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ, मैं पिछले दो वीक से आपके गिफ्ट हैंपर का वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं पहुंचा। जरूर पहुंच जाएगा आपको, आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें, टेंशन ना लें, आपको जरूर पहुंचेगा हैंपर। इसके अलावा आप कोई बात करना चाहेंगी? जी मैं बात ये करना चाहूंगी कि मैंने वेट कम करने के लिए ना आपके एक्सपर्ट से पूछना था कोई डाइट प्लान। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, हम लोग इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फरजाना फॉर कॉलिंग। और हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग नंबर ऑफ कैलोरीज के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक टॉर्चर बन जाता है कि लीजिए आज तुम्हें एक चॉकलेट खा ली, उसमें इतनी कैलोरीज खा ली, अब सारा दिन मैं क्या करूं, है ना। तो ये सारी बातें चल रही होती है। सो कैलोरीज को काउंट करने की जगह, कैलकुलेट करने की जगह हम लोगों को वैसे ही जनरली अपनी जो इनटेक होती है उसके अंदर करना चाहिए। अगर हम कभी रेस्टोरेंट में जाएं तो कोई ऐसा खास फूड है जिसको अवॉइड करना चाहिए, खास खाना चाहिए? नंबर ऑफ चॉइसेस जो है ना, अगर आप स्लाइटली चेंज कर लें तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स से आप बच जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आप पिज्ज़ा खाना चाहते हैं तो आप जाएं ज़रूर पिज्ज़ा खाएं, बट डीप पैन की जगह आप थिन क्रस्ट ले लें। अच्छा। सेकेंडली इसी तरह जब आप आजकल से वेदर ऐसा है तो आई वुड से कि आप बारबेक्यू की तरफ ज़्यादा जाएं, बट उसके साथ नान अवॉइड करें। बारबेक्यू सैलेड रायता आप लें, उससे आपको मोटापा नहीं होगा, आप अपना मील भी इंजॉय कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, यू नो, बिल्कुल हैंग आउट कर सकते हैं, और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आप पता नहीं कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। और जहाँ रही बात, तो भी कॉलर ने कहा कि मैं डाइट करना चाह रही हूँ, तो डाइट करना कोई एक बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये जस्ट कि आपने अपनी जो चॉइसेस ऑफ फूड है उसको आपने कैसे डिसाइड क्या करना है, इंप्रूव करना है। एग्जैक्टली, ऑयली फ्राइड चीजें हर चीजों में, यही एक मेन आती है कि आप अपने कार्ब्स को कम कर दें और अपनी ऑयल और फैट की कंजम्पशन को कम करना, साथ में अपना आउटपुट अपनी एक्सरसाइज को ज्यादा कर लें। जहां हम इतने खाने की बातें कर रहे हैं नाजीन, मेरे सामने हमारा ऑलिव हाउस जो है, हमारा ऑप्शंस किचन जो है वो डिश आउट हो चुका है, और सॉरी दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, हमारा ऑप्शंस किचन रेडी हो चुका है। आज हमारी जो है शाहजहान कढ़ाई, चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, और उसमें क्या शाही बात है ये भी हम आज चख के देखेंगे। और इसके साथ साथ हमारी पुडिंग ड्रिंक भी तैयार हो चुकी है, और बनाना पुडिंग ड्रिंक हमारी तैयार हो चुकी है। यहां से चल के हम सारे किचन में जाएंगे। इसके बाद मेरा ख्याल है हमारे शो के फौरन बाद जो पहली चीज होती है ना, ये होती है कि हम लोग अपने किचन में जाते हैं, क्योंकि इतनी टेम्पटिंग, इतनी मजेदार खुशबुएं आ रही होती हैं, और फिर हम लोग कहते हैं कि क्यों ना हम लोग उसको खाएं भी। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे शो का टाइम आज का हमेशा की तरह खत्म हो चुका है। जहां हम डाइट की बात करें तो हमारे भी खाने का टाइम, वर्क प्लेस पे खाने का टाइम हुआ जाता है, आप लोगों के घर भी यही तैयारियां चल रही होंगी। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत चाहती हूं, इंशाल्लाह नए दिन नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ और आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।